हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरे दिन की शुरुआत सीधा खाना बनाने से कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी थी ख़राब, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। अभी मैं बना रही हूँ खाना और बहुत ही अच्छी एक स्पेशल चीज़ बनाती हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और अभी एक दो दिन पहले मम्मी लाए हैं वो चीज़। वो है ये हांडी, जो मिट्टी की हांडी है वो। इसमें खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए इसके अंदर मैं दाल फ्राई करने वाली हूँ। मूंग यहाँ पर बॉयल हो गए, तो इसी के अंदर मैं फ्राई करूँगी। तो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो जल्दी से तड़का वगैरह मार देती हूँ। खाना वगैरह सब खा लिया है और अभी मैं खा रही हूँ ये मावा चिक्की, जो कि चिकू कल लाए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नहीं मारेगी उसको, बदमाश है। वो चल रही है, वो देखो चल रही। मैं आ गई हूँ शॉप पर, और शॉप पर आके अभी क्या गर्ल्स की जो क्लास थी वो 4:30 बजे थी, तो अभी बस लड़कियाँ एक एक आना स्टार्ट हो गई है। एक तो आ गई है, तो अब उनके जो मैम हैं वो भी सबको लेकर आते ही होंगे। तब तक मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और सैलून की और सारे मेकअप के ब्रशेज़ वगैरह अरेंज कर रहे थे। टाइम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, और 4:30 अभी हो गई। जैसे ही आते हैं वैसे काम स्टार्ट करते हैं। अब आज उनसे पूछेंगे कि सारी गर्ल्स आ गई हैं, अब जो भी है वो डिसाइड होगा क्या क्या आज सीखना है। आज क्या सीखना है, मैनीक्योर पेडीक्योर? ठीक है, फाइनली डिसाइड हुआ है कि हम कर रहे हैं पेडीक्योर, और आज सब जनों को पेडीक्योर स्टडी कराएंगे। और उसके लिए यहाँ पर पानी वॉर्म हो रहा है और किट वगैरह सब रेडी। एक तुम सब आ जाओगे क्या? तो क्लाइंट ही बोलेंगे अपने लिए, तो कस्टमर है, क्लाइंट का पैर हमारे पैरों पे लेना है। तो एक कोई भी मैम अपना पैर ऊपर देंगे, एक बार ये पूरा पैर क्लीन होगा अच्छे से। अब पूरे पैरों पे स्क्रब होगा, जो भी जो स्क्रबर है उससे नहीं, पूरी हम डेड स्किन रिमूव करेंगे, फिर क्रीम्स के ऊपर जाएंगे। मैम के पैर तो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, फटे हुए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी के पैर बहुत ज़्यादा फटे हुए रहते हैं, उसके लिए फीट का पूरा एक रेजर आता है, जब उस रेजर से पूरे पैर की स्किन है वो कटती है। अब ये पैरों पे स्क्रबिंग हो गई है हमारी कंप्लीट, तो हम इस नेल पेंट जो मैम का लगा हुआ है पहले वो रिमूव कर देंगे, ताकि जो नेल्स है वो अच्छे से फाइल भी हो पाए, प्लस नेल का भी हम अच्छे से क्लीन कर पाए। अभी तक का सबको समझ में आ गया? बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न? अब इतनी देर तक तो हमारे सिर्फ पैरों की पैम्परिंग चल रही थी, अभी प्रॉपर जो भी पेडीक्योर का जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो सारी क्रीम्स का नॉलेज दे दिया है, अब ये कैसे कैसे यूज़ होगी, एक एक मसाज कैसे कैसे होगी, वो सारा सब चीज़ें पता चलेगी, है ना। हमारे जो एंकल है उसको, उनको एंकल का जो बॉल होता है ना, वो अक्सर सबके ब्लैक होता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो जो होता है नीचे बैठते हैं तो वो हल्का सा घिस घिस के वो स्किन टाइट हो जाती है, तो वो भी ब्लैक होता रहता है, तो उसको मेन ध्यान रखते हुए सब कुछ करना है। हमेशा डबल कोट करनी है नेल पेंट को, एक बार हमको थोड़ा सा उसको ड्राई होने देना, फिर दूसरा कोट करना है। इतनी देर में हमको अगर दूसरा नेल करना है दूसरा नेल कर देंगे। अभी गर्ल्स सारी सीख के गई हैं, सबको काफ़ी मज़ा आया, और अभी सारा ये जो भी सेटअप है वो हटाएंगे और क्लीनिंग वगैरह करेंगे, और आज आपको प्रोडक्ट के बारे में और भी कुछ बताएंगे, तो जब हम मैं आगे वाली शॉप पर जाऊँगी तब तो मैं आपको बताती हूँ। आ रही हूँ मैम तुम्हारे। मैं आ गई हूँ आगे वाली शॉप पर, तो मैं आज आपको एक नए प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। वो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की 5-in-1 लिप बाम्स। इसके अंदर लिप बाम है 5 और पूरी एक लिपस्टिक की तरह बनी हुई है। एकदम नया कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो इसमें 5 फ्लेवर्स हैं अलग अलग। अब मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको एक एक बताती हूँ। अब एक एक लिप बाम मैं ओपन कर रही हूँ। ये है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल शाइनिंग ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसको हमको रिमूव करना है, तो ये यहाँ से हमको रिमूव करके इसके पीछे ऐसे लगाना है, और ये हमारी आ गई दूसरी लिप बाम आ गई। इस लिप बाम के अंदर भी कोई पिगमेंट्स नहीं है, ओनली फॉर ये शाइन ही है, और इसके अंदर लगभग यानी सारे लिप बाम्स में एकदम बटर टाइप का ही है, एकदम ग्लोज नहीं है।
और अब नेक्स्ट लिप बाम पे आते हैं। अब लिप बाम है वो थोड़ी टिंटेड आएगी। हमने दो लिप बाम लगाई थी जिसका कोई भी कलर नहीं है, अब ये लगाएंगे तो दिखेगा हल्का सा। ये इसका लाइटली एकदम बेबी पिंक टाइप का शेड है और लगाने पे बहुत अच्छी लगने वाली है, मैं लगा के बता देती हूँ आपको। मस्त लग रही है, कैसी लग रही है लिप्स पे, लाइटली अच्छी लग रही है ना। अब आती है नेक्स्ट लिप बाम की बारी। तो नेक्स्ट लिप बाम है हमारी रेड टाइप की, पीच कलर है। तो अब इसका भी मैं आपको शेड बताती हूँ कैसा। इसका शेड प्रॉपर पीच है और अब आती है नेक्स्ट रेड कलर की लिप बाम की बारी। तो इसका एकदम रेड टाइप का कलर डिपॉजिट हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है ये रेड वाला, पिच कलर वाला जो कि रेड में दिख रहा है, और ये रेड वाला है वो एकदम लाइट पिचिश टोन में आया है। इसके अंदर 5 शेड्स हैं 5 शेड के 3 शेड में तो पिगमेंट्स हैं, 2 शेड्स में बिल्कुल भी पिगमेंट्स नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। हमको अलग अलग लिप बाम एक ही प्रोडक्ट में यूज़ करने मिलेगी और प्लस अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं। और ये लिप बाम शॉप करो पर अवेलेबल है, आपको जब भी जरूरत लगे तब आप परचेज़ कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगी, शॉप करो का लिंक भी दे दूँगी और कमेंट में भी सब में। अरे अच्छा है, मस्त है शेड इसका जो कि मैंने लगाई है। और इसको आप एज ए ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ज्योति यूज़ करती है, मुझे देख के मैं भी यूज़ करती हूँ एज ए ब्लश। तो ये तो मैं परचेज करने ही वाली हूँ, आज शाम तक कर लूँगी। बस सब जा रहे हैं घर पर और आपको मैंने बता ही दिया है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की न्यू लिप बाम आई है उसका, और दूसरी लिप बाम्स भी यहाँ पर आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी। तो अभी चलते हैं घर पर, रेस्ट करते हैं अब थोड़ा। चल मैं कुछ गेट से डर लग, खाना वगैरह सब मैंने बना दिया है घर पर आकर, क्योंकि मैं थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी तो मैंने कहा यार जल्दी से फ्री हो जाती हूँ और फिर रेस्ट करूँगी। यूँ करके घर पे आई, थोड़ी 2-5 मिनट रेस्ट किया होगा, फिर खाना बनाने के लिए बैठ गई। और खाने में मैंने बनाया है आज पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी जो कि बनाई है हांडी में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये रोटी घी में सेका हुआ पापड़ मज़ेदार। और यहाँ पर चिकू बैठ के इनका हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं और हेयर ऑयलिंग में उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है। उनको क्या जो यानी हैंड्स पे और ऐसे फंगल इन्फेक्शन होता रहता है थोड़ा, यानी कहीं पे स्किन ड्राई होके कड़क हो जाती है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो आज वो टी ट्री ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों लाएँ। टी ट्री एसेंशियल है या फिर ऑयल है? एसेंशियल ऑयल है, तो वो लाए हैं। और हेयर में भी उनके लिए मसाज करने के लिए, क्योंकि उनको पहले कोकोनट बहुत अच्छे से सूट हो रहा था, तो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का अपने पास एकदम प्योर कोकोनट ऑयल है और एकदम प्योर टी ट्री ऑयल है, तो दोनों को लाए हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मिक्स करके ऑयल बनाया है। और वो ऑयल बनाया है उन्होंने विटामिन सी की डिब्बी में, बताओ ना। तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल दोनों मिक्स करके बनाया, क्योंकि ये फिक्स 30 ml की ही बॉटल थी। हाँ, एसेंशियल ऑयल कोकोनट ऑयल में 5 से 6 ड्रॉप डाल के बनाना था, तो उसमें इसमें ही बना दिया और प्रॉपरली यूज़ करने में भी सही है ना, पंप पे आ गए इसलिए। ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का टी ट्री एसेंशियल ऑयल और ये है कोकोनट ऑयल जो कि विंटर्स की वजह से जमा हुआ है, पर ये इस टाइप का जमा हुआ है, अगर आप इसके अंदर अपनी फिंगर डालोगे तो बिल्कुल मेल्ट होना चालू हो जाएगा, ये बॉडी की वार्मनेस से ही मेल्ट होना चालू हो जाता है, एकदम प्योर है ना। और बहुत ही अच्छा ऑयल बना, फ्रेग्रेंस तो क्या बताओ, टी ट्री बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, यानी एकदम रिफ्रेशनिंग लगता है उससे। तो जिसको भी मसाज करके बैठे कैसा लग रहा है ऑयल, मस्त लग रहा है। आज अकेले अकेले बैठ के मसाज कर रहे हैं एक हाथ से, पीछे से ही बता देती हूँ, मुँह तो दिख नहीं रहा। अब देरी ना करते हुए खाना खा लेती हूँ मैं।
बस यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। और आज के व्लॉग में जो मैंने प्रोडक्ट बताया, अगर आपको वो परचेज करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहे हो तो मैं नंबर भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, हम आपको सेंड कर देंगे। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।